नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा बजट सत्र की कल से शुरुआत होनी है, जिसे लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दूसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मेयर मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ को कन्या स्कूल की सौगात मिली है। और चौथी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। चार बड़ी खबरें, जिसमें कल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां मेयर ने अपना मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनकर ने मेयर पद से अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बड़ी खबर भी जो है आपको बता रहे हैं कि बल्लभगढ़ को कन्या स्कूल की सौगात मिलने वाली है। और चौथी बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर के इस बुलेटिन में बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कल से शुरुआत होनी है, जिसे लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर के आगामी 6 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें 23 मार्च को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके चलते ये बजट अंतरिम बजट होगा। हालांकि प्रदेश को बजट में क्या कुछ मिलता है वो तो बजट पेश होने पर ही पता चल पाएगा। इससे पहले विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में दिख रहा है। समेत अन्य सेक्टर के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस किसान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा। ओपी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का जो है आगाज हो गया है, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो बजट पेश करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें जो है जनता, हरियाणा की जनता ने इस बार सरकार से लगाई है कि क्या कुछ बजट सत्र में, बजट में वो देख रही है कि क्या सौगातें उनको मिलनी चाहिए? देखिए दिव्या, आप फिलहाल ये नहीं कह सकते कि क्या सौगातें मिलेगी। एक बात तय है कि इस साल हरियाणा के अंदर दो चुनाव होंगे। पहला लोकसभा चुनाव जो कभी भी अनाउंस मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी हो सकती है उम्मीद है। दूसरे जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव है जो अक्टूबर में होने के रहते हैं, सितंबर के दौरान एक बार फिर हरियाणा में आदर्श आचार संहिता जो कहीं ना कहीं लग सकते। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनावी साल हरियाणा की अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो साल 2014 में जहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर 10 की 10 लोक सीटों पर कब्जा किया, तो इस बार एक बार फिर मोदी तीसरी बार की मुहिम के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जो है जीतने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में जो है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में सरकार प्रदेश के इन सभी बड़े वर्गों को साधने का कोशिश करेगी, जिसमें व्यापारी, महिलाएं, युवा और उद्योग या छोटे कारोबारी, उनको कहीं ना कहीं साधने की जो है कोशिश करेगी। किसान भी जो है सरकार की जो है एक बड़ी प्रायोरिटी हो सकती है, क्योंकि जो तक पता चल रहा है कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो बजट से किसानों को जो एक आवंटन किया जाता है उसमें करीबन 350 करोड़ रुपए की जो है बढ़ोतरी की है। तो आमतौर पर 25% के आसपास ही बढ़ोतरी की सूचना हमें मिले। हालांकि अंतिम पता तो जब बजट पेश होगा तभी कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि टैक्स फ्री बजट कहीं ना कहीं हरियाणा का जो ये होगा। और देखते हैं, बाकी उम्मीद की जा सकती है जब शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा की बीजेपी की दूसरे कार्यकाल का जो अंतिम बजट है वो पेश किया जाएगा। जी ओपी, दो अहम जानकारी इसमें आपने दी। पहली, आपने कहा कि चुनाव से पहले का ये बजट अंतरिम बजट है, तो ये जानना चाहेंगे कि इस साल आपने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, 10 सीटों का जो समीकरण है सीधे सरकार जो है उसे साधने की कोशिश करेगी, हर पार्टी जो है उसे साधने की कोशिश करेगी, साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अभी जो है 23 फरवरी को अंतरिम बजट जो है हरियाणा का पेश कर दिया जाएगा। क्या ये बजट चुनाव के समीकरण ने बना या बिगाड़ सकता है?
देखिए अगर हम बात करें चुनावों की तो लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता जिसको वोट देती है वो ही कहीं ना कहीं सत्ता में आता है, और अगर जनता वोट ना दे तो आप सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सभी सरकारों को कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो जनहित में हो, मतलब लोगों को एक सुविधाएं, लोगों को सुरक्षा, लोगों को शिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य, लोगों को सड़क जैसी सुविधाएं जो कहीं ना कहीं जाए, उनके आसपास अगर किसी पार्क की जरूरत है वो बनाया जाए, कोई बड़ा एक कम्युनिटी वाइज एक बड़े काम जो एक कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं उन कामों को सरकार प्राथमिकता देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें नहीं जीत पाती है, कुछ सीटों पर हेर फेर हो जाती है और विपक्षी दल काबिज हो जाते हैं, या फिर पूरी सीटें ही बीजेपी हार जाए, या फिर आधी सीटें बीजेपी और आधी सीटें विपक्षी दलों के पास आ जाए, तो इसका जो सीधा असर है वो आने वाले 3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे सितंबर या अक्टूबर के आसपास, तो उसके ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। ऐसे में अगर एक तीर से दो निशाने साधने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में, तो क्यों ना साधे और क्यों ना वो ऐसे लोगों ऐसे बड़े वर्गों का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं करें जिनसे उनको फायदा हो। तो इसी की एक उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ शायद सभी वर्गों को जरूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल ओपी, अभी हरियाणा में जो है किसान, हरियाणा का एक बड़ा वर्ग जो है वो किसानों से संबंधित है, किसान वर्ग है, और साथ ही अभी जो किसान आंदोलन जो है वो स्टैंड बाय उन्होंने अभी कर दिया है। ऐसे में बजट सत्र भी हरियाणा में आ रहा है और बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ जो है किसानों को लेकर के बजट सत्र में सौगात मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है? देखिए दीपा, अगर हम बजट की ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों का एक बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पंजाब में जो किसान बैठे हैं वो आपके में एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। किसान लंबे समय से अलग अलग मांगे जो कर रही है, कुछ फसलों के एमएसपी बढ़ाने का जो है, कुछ मुआवजा जो बढ़ाने की जो बातें करी है, जो हरियाणा में वर्तमान के अंदर अधिकतम जो 12,000 का मुआवजा मिलता है जो पथे के खराबे के ऊपर, वो साल 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया था। ऐसे में करीब 8 साल का वक्त हो चुका है और आज भी 100% खराबा होने पर जो है वो 12,000 रुपए ही मुआवजा मिलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो किसानों के लिए मुआवजा पॉलिसी है उसके अंदर जो है कुछ बदलाव जो कर दिया जाए, और कुछ किसानों की और भी जो डिमांड है फसल और फल और सब्जियों के ऊपर जो मतलब जो बीमा योजना है उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन किया जाए, तो कुछ ऐसी मांगे हैं किसानों की जो लंबे समय से कर रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में बरसात के दौरान इतना जल भराव हो जाता है कि किसानों की जो एक फसल पूरी तरीके से जो है चौपट हो जाती है और लंबे समय तक वहां जल भराव रहता है, जिसकी वजह से जमीन में सेम आ जाते हैं, सेम आने के चलते किसान वो पैदावार जमीन से नहीं ले पाते जो आमतौर पर किसान। बिल्कुल, 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक जो है वो हरियाणा का बजट सत्र चलने वाला है, 23 फरवरी को बजट सत्र जो है पेश हो जाएगा। ओपी हमारे साथ आप बने रहिएगा, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी पुष्टि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने की है। बता दें कि चुनाव को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर धांधली के आरोप लगा रहा था, इसी बीच विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओपी शर्मा, हमारे संवाददाता। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि मनोज सोनकर पर जो है आरोप लग रहे थे, साथ ही चुनाव की जो मेयर चुनाव की प्रक्रिया में धांधली के आरोप जो है विपक्ष बीजेपी पर लगा रहा था, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मामले में होनी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से पहले ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात करें तो 20 जनवरी महीने से लेकर अब तक जो एक विवाद था वो बरकरार है, और इस बार जो कुछ 28 जनवरी के आसपास जो नए मेयर का चुनाव हुआ था उसमें जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह थे उनके द्वारा जो कथित तौर पर एक जो वीडियो वायरल हुआ और उनके ऊपर जो 8 वोटों को खारिज करने
के जो आरोप लगे थे, उसके बाद मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड की अगुवाई वाले 3 जजों की जो पीठ है वो इसकी सुनवाई जो कर रही है, और आज इसकी सुनवाई होनी थी क्योंकि पिछली बार 8 वोट खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मनोज सोनकर थे वो जीत गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है नई जो हाउस के ऊपर जो काम करने के उससे लेकर किस हर तरह की जो है रोक लगा दी। तो करीबन आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से हरियाणा चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी सी बनी हुई है, और ऐसे में जो चेयरमैन बने जो मेयर बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इसके साथ ये कि आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी जो है वो 3 जो काउंसलर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन, उन्होंने कल रात जो चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े उनके उनकी मौजूदगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है सदस्यता ले ली, और उन्हीं में से एक सदस्य को मेयर का जो है प्रत्याशी कहीं ना कहीं महिला को बनाने की बात भी सुलझा चली। तो देखिए अब हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है वो पिछली जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग में जो अनिल मसीह जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उनकी तरफ से तथाकथित जो 8 वोटों को खराब जानबूझकर करने के आरोप है उसको लेकर जो चर्चा होगी, लेकिन अब वर्तमान में भले ही कमेटी के ऊपर जो मेयर थे उनके ऊपर काम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, लेकिन नया मेयर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर जो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पूरे मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी जो है संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को भी जो है अनिल मसीह को फटकार लगाई थी, और साथ ही आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। ऐसे में एक बड़ा जो है इसमें मामला देखा गया कि जो मेयर थे उन्होंने सुनवाई से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही इस मामले में ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं जिसमें से आज जो 3 पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? अगर हम बात करें तो जो भारत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के 3 काउंसिलर हैं उन्होंने देर रात भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जो चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े उनकी अगुवाई में उन्होंने शामिल कर लिया, और कहा जाता है कि उन्हीं में से एक महिला को जो प्रत्याशी बनाने की भी जो मेरे प्रत्याशी बनाने की भी जो है बात कर ली है। अब मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो उसके इतर जो ये कल देर रात जो मेयर मनोज सोनकर थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो मामला, और पिछली जो मेयर के चुनाव में जो धांधलियां थी वो दोनों मामले अलग हो गए क्योंकि उस मामले को लेकर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की, और उसके बाद जो नए मेयर बने थे उसके बाद हाउस की बैठकों में उन्होंने जो रोक लगा दी थी, वो बैठक उन्होंने नए उसके ऊपर लगाई थी, लेकिन अगर अब ऐसे मेयर ने इस्तीफा दे दिया है और एक बार दोबारा से अगर चुनाव अगर दोबारा से वोटिंग होती है तो उसके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से सुनवाई करनी पड़ेगी या फिर इस मसले को दोबारा एक नए तरीके से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे देश की कोर्ट की व्यवस्था माना जाए तो हर पेटिशन में एक ही जो है वो प्रे होती है, लेकिन दोबारा चुनाव की बात भी कर रहे हैं तो दोबारा चुनाव होने पर अगर 3 प्रत्याशी जो है वो अगर बीजेपी में शामिल हो गए जैसे आपने कहा तो पूरा जो है समीकरण जो है ऐसे में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बहुमंजिला इमारत शहर को समर्पित की है। 4 मंजिला इस स्कूल की इमारत में हर मंजिल पर बेटियों को वाटर कूलर का आरओ का पानी मिल पाएगा। बता दें कि बेटियों की पढ़ाई और सुसज्जित लैब को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल इमारत बनाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद जताया और यहां से स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा को भी स्कूल के नए भवन के लिए बधाई दी। इसी को लेकर उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेटियों को शिक्षा देने वाला ये बल्लभगढ़ का स्कूल है। देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ के नई बिल्डिंग का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, और ये पहली बिल्डिंग नहीं है, इसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है जिसमें हजारों बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और बल्लभगढ़ के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
2014 के बाद बल्लभगढ़ की सारी स्कूलों की बिल्डिंगों पर नए तरीके से बनाया गया, चाहे वो घंटाघर पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे ये बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हो, तीन सेक्टर की हो। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको ये 7 करोड़ की लागत से बनके स्कूल दिया है। ये हरियाणा की सबसे सुंदर बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और जहाँ 4000 बेटियाँ हैं, 49 रूम हैं, एसी रूम है, और ये सबसे बड़ा लाभ बच्चों के जो शिक्षा है उसका सतर बढ़ेगा और बेटियों को भरोसा विश्वास है मनोज सरकार में कि सबसे सुंदर बजट जो बजट है लोगों के, आम व्यक्ति के, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी के हित का होगा। ये बजट सबके हित का होगा, सबके हित में होगा। इसके अलावा बात करें, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए, किसानों का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, किस नजरिए से आप किसानों की जायज मांग? इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू पांचाल, संवाददाता फरीदाबाद से। मोनू पांचाल, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि बल्लभगढ़ को जो है एक मॉडल स्कूल की सौगात मिल गई है, क्या कुछ खास जो है इस मॉडल स्कूल में देखा जा रहा है? देखिए दिव्या, ये जो है बल्लभगढ़ विधानसभा की बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनकी विधानसभा बल्लभगढ़ विधानसभा लगती है, और उसी विधानसभा की बात की जाए तो इस विधानसभा में जो एक 4 बहुमूल्य इमारत जो है वो जो है स्कूल की खड़ी की गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो कन्या स्कूल है उसमें करीब 4000 छात्राएं जो है वो पढ़ती है, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक नई इमारत का जो है वो निर्माण यहाँ पर कराया गया, और 4 मंजिला ये इमारत है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, स्कूल में जो है पूरी तरीके से जो है पूरा डिजिटल ये जो स्कूल है वो यहाँ पर बनाया गया है, चाहे वो इसमें बात की जाए, चाहे वो एसी की बात की जाए, चाहे उसमें जो है इंटरनेट की बात की जाए, चाहे वो डिजिटल पढ़ाइयों की बात की जाए, तो तमाम सुविधाओं से लैस जो है ये स्कूल बनाया गया है। उससे इसको लेकर के जिस तरीके से आज जो है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है वो मौजूद रहे यहाँ पर, हवन करके जो है इस स्कूल की भवन की बिल्डिंग को जो है छात्राओं के हवाले जो है वो कर दिया, समर्पित कर दिया, और जो है कल से जो है इस स्कूल में जो है वो छात्राएं आकर के बैठना शुरू हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर के जिस तरीके से छात्रों से बात की गई तो छात्रों ने बड़ी जो है तारीफ करते हुए कहा कि जो है अब जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल हुआ करते हैं और जो है इसी सरकार में जो है जो सरकारी बिल्डिंग है जिस तरीके से स्कूलों की बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को जो है मात देते हुए यहाँ पर ये सरकारी स्कूल नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बिल्डिंग को सजाया है, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से, चाहे वो वॉशरूम से लेकर के, चाहे वो अलग जो टीचरों की बात की जाए, कमरों को लेकर के, कैंटीन की बात की जाए, तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस जो है बिल्डिंग में है, और तमाम सुविधाओं से सबसे बड़ी बात ये दिव्या ये भी है कि जितने भी कमरे हैं छात्राओं के लिए, क्योंकि जो पिछले समय की बात की जाए तो जिस तरीके से पंखे हुआ करते थे स्कूलों में, लेकिन इस बिल्डिंग में जो है वो छात्राओं के लिए एसी बिल्डिंग जो है वो रहेगी, क्योंकि सभी कमरों में जो है वो एसी लगवाए गए हैं, एयर कंडीशन ये बिल्डिंग रहेगी। तो तमाम जो छात्राएं हैं उनका वो जो है वो सरकार का बार बार धन्यवाद करती नजर आ रही है। जी दिव्या जी, बिल्कुल। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में एक मॉडल स्कूल की जो है सौगात दे दी है। अत्याधुनिक फैसिलिटी से युक्त ये मॉडल स्कूल कन्याओं के विकास में, उनकी पढ़ाई में जो है अहम योगदान देगी। इस तमाम जानकारी के लिए मोनू पांचाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के कई बॉर्डर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अंबाला में दवाई कारोबारियों का काम भी पूर्ण तरीके से ठप हो गया है। दवा उद्योगपति जीडी छिब्बर का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो कि दवा बाहर भेजने के लिए तैयार किए गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच रास्ते में लटके हुए हैं। बता दें कि दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं, जिसके चलते दिल्ली से सटे तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा सभी वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज लंबा समा फिर दोबारा सरकार दे नाल चौथे गेट की मीटिंग हुई है, जिदे विच साडियां बहुत सारियां जिहड़ियां हमारी समस्याएं, जैसे MSP की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी,
डबल ड्यूटीओ की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है। आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, इसमें फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।